बुधवार की सुबह मोहल्ला गुलाघाटी क्षेत्र में सिंचाई गूल में एक नवजात बच्चे का शव पड़े होने की सूचना आसपास के लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। घटना के बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि सिंचाई गूल में मिले इस नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी एक नवजात शिशु का शव रेलवे बड़ाव में बरामद हुआ था। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि दोनों ही मामलों में घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आसपास के लोगों से भी इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बारे में जानकारी मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज मंगला रोड गुल्लागड्डी में सुबह सिंचाई की गूल में एक नवजात बच्चे का शव मिला है और शव को हमने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है और आसपास इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। जानकारी आए कि कल शाम वहाँ नहीं था, सुबह कैसे आया है, इस संबंध में इस एरिए के सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे जाएंगे। पूर्व में भी एक ऐसा ही नवजात का शव मिला था तो हम इसको जांच करेंगे कि ये कहाँ से आया है और इसके संबंध में जो भी सीसीटीवी देख के अन्य लोगों से जानकारी करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।